नीमच जिले के गांव आत्री में स्थित प्रसिद्ध आत्री माता मंदिर में सक्रांता मेले के दौरान पर्स व मोबाइल चोरी करते लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान लोगों ने चोर की जमकर धुनाई की, बाद में पुलिस को सूचना देकर उसके हवाले कर दिया। याद रहे कि चंद्रावत राजवंश की कुलदेवी माँ आत्री के यहाँ प्रसिद्ध मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, जहाँ हजारों की संख्या में जिले व पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस दौरान भारी भीड़ रहती है, जिसका लाभ उठाकर पर्स मारी और चोरी चकारी की वारदातें भी कई बार होती रहती है। इस बार इन चोरों को चोरी करना महंगा पड़ गया, बाद में जिसकी निशानदेही पर दो अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीमच संवाददाता मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या निकला? 20-25 की पूरी गैंग है। 20-25 की पूरी गैंग है। इन्होंने मालदेव निकाला छोटी बच्ची का इसका, और मतलब मालूम बताया उसने, एक को लिखा था उन्होंने बताया, तो एक को मतलब अंदर लेके आए बताया उसको भी, तो भी कबूलत नहीं हो रहा है। और ऐसे करके बहुत सारे मतलब यहाँ पे मतलब चीजें मतलब निकल रही है, किसी के पास से मोबाइल निकल रहा है, किसी का पर्स निकल रहा है, किसी का मतलब कुछ ना कुछ मतलब चोरी कर रहे हैं ये सब। क्या नाम है? राहुल सर। क्या निकला आपके? इस लड़की का गले में मान लिया था, इतना छोटा बड़ा इतना बड़ा सोने का वो निकाला है सर। आपका क्या निकल? अरे सर मेरा पर्स निकल है, उसमें 3,000 और बाकी चिल्लर रुपए पैसे और पड़े थे, और मेरा निकला एटीएम पड़ा था उसमें, और गाड़ी के कागजात पड़े थे, और आधार कार्ड वगैरह, और वोटर आईडी भी पड़ा था ओरिजिनल, और पैसे बड़े थे उसमें 3,000 रुपए। किसने पकड़ा चोर को? सर मैंने पकड़ा चोर को, रंगे हाथ चोर। सबने सर अपने मिलते हैं, मेरा मोबाइल है, जो भी हम काला ब्लैक शेड वाला है ना, इसके साथ दो और है, उन दोनों ने मोबाइल लेके भागे वो, और इसने भगा दिया, और नशे में तो इसके साथ दो और है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांश सिंह। क्या हुआ? मोबाइल चोर हो गया सर। एक मिनट, मैं सेम जैकेट से आया हूँ, यहाँ मेला देखने आया था, यहाँ से भीड़ में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। कहाँ पे आए मेला देखने आप? आत्री माता जाए। जी सर बताइए, जो आत्री माता में जो मेला जो अभी लग रहा है मकर संक्रांति का, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिसको लेकर अभी जो आज यहाँ पे जो चोरों की वारदात ने अंजाम दिया है मोबाइल फर्स्ट चेन को लेकर, इसने पुलिस में क्या कार्रवाई की गई? आत्री माता मेले में आज 3 बदमाशों को पकड़ा है, जो मेले में आए हुए थे और मुलता नाहरगढ़ और नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। तीनों लड़कों के नाम जितेंद्र, अमनलाल, बाबूलाल बागरी है, और इनकी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस ने इनको पकड़कर के इनकी तलाश ली, तो इनके पास से अवैध हथियार मिले जिनको पुलिस ने जब्त करके और वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी सर, ये कितनी टीम बताई गई है अभी तक? ये 3 लोग पकड़ाए हैं जी, और इन लोगों से वो कौन जुड़े हुए हैं और ये मेले में क्या रचना करने वाले थे, इन सारे बिंदुओं पर इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इन पर क्या 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 धारा पंजीबद्ध की गई? इन पर अभी हमने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे कुछ जारी है।